देश में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग भी तेज होने लगी है। 30 नवंबर से गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अयोध्या से आए जगतगुरु परमहंसाचार्य महाराज आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। हालांकि आज उनका अनशन खुलवा दिया गया। गाजियाबाद के लूनी इलाके के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उनका आमरण अनशन तोड़वाया, उन्हें जूस पिलाया गया। जगतगुरु परमहंसाचार्य का कहना है कि देश में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जरूरी है, क्योंकि देश की बढ़ती पॉपुलेशन देश को कई तरह के नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और आगे भी अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे। ये कानून बनेगा, किंतु वर्तमान हालात को देखते हुए जो CAA है इसको लेकर के जो देश में बवाल हो रहा है अराजक तत्वों के द्वारा, देश विरोधी विचारधारा के लोगों के द्वारा, तो हमने CAA के सपोर्ट में जब माननीय विधायक श्री नंद किशोर जी ने कहा कि हमारी जो है तो ऊपर से बात हो चुकी है कि महाराज जी को किसी तरह से मनाइए, और वर्तमान में जो है जो हालात हैं इसको किसी तरह से सामान्य होने के बाद इसकी बात को जो है आगे उठाई जाएगी, तो इन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से हमारी ये चल करके हमारी डायरेक्ट वो वार्ता भी कराएंगे। तो इस पर मुझे यकीन भी है मोदी जी के ऊपर, चूँकि जो नामुमकिन थे वो मुमकिन हो गए। जैसे आर्टिकल 370 35 लोग कहते थे ओबीसी कहते हो ही नहीं सकता है, और इसके बाद जो है ट्रिपल तलाक, जो एक इस्लाम के लिए सबसे बड़ा कलंक था कि ट्रिपल तलाक के उसमें जो है तो बाद में महिलाओं के साथ में एक रेप होता था, बलात्कार होता था, वो जो है तो एक महिलाओं को बहुत बड़ा न्याय मिला है। और इसके बाद ये जो CAA है ये तो मानवता के लिए इससे बड़ा कोई कानून ही नहीं हो सकता है कि जिन लोगों को दुनिया में कहीं जगह नहीं थी, जो पाकिस्तान में वहाँ सताए जा रहे थे, उनको यहाँ एक जीने का जो है तो एक वो दिया गया। तो ये हम तो समझते हैं कि मानवता के लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। और जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठी हैं, जो 40 बच्चा पैदा करके हिंदुस्तान को जो है तो कब्जा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा ये मानना है कि जो आज देश में आग लगा रहे हैं वही घुसपैठिए हैं, और जो देश विरोधी राजनीति करने वाले हैं उनके भी चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। तो जनता जागरूक हो गई है, जनता मोदी जी के साथ में है। आने वाले समय में जितनी विरोधी राजनीति करने वाली पार्टियां हैं सबकी जमानत जब्त होगी, और एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी बचेगी, सारी पार्टियां अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पब्लिक ने नकार दिया है। क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सबसे बड़ा है, और संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा है। जो संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, जो हिंसात्मक प्रदर्शन करते हैं, और हिंसक प्रदर्शन के जो सपोर्टर पार्टियां हैं, इनके लिए अब देश की जनता के मन में कहीं जो है तो जगह नहीं रह गई है। और मुझे विश्वास है कि नंद किशोर जी ने कहा है तो हमारी वार्ता जो है ले जाकर के प्राइम मिनिस्टर समय लेकर के हमसे मिलवाएंगे। हम उनसे आग्रह करूँगा कि ये जितने घुसपैठी हैं इनको निकाला जाए और 2 child policy लागू की जाए, चाहे कोई भी हो, 2 बच्चे पैदा करें, उनको खूब उच्च शिक्षा, अच्छे संस्कार दें जिससे वो राष्ट्रवादी बन सके, उनके अंदर इस तरह से नफरत न आए जो आज सड़कों पर दिखाई पड़ रही है।